अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के मंत्री भीलवाड़ा से आने वाले हमारे बड़े भाई रामलाल जी जाट साहब, वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय रामलाल जी जाट साहब बोलो, भारत माता की, जोर से बोलो, भारत माता की। सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण और सभी पधारे हुए संगठनों के पदाधिकारीगण, कांग्रेस के नौजवान साथी, मीडिया के साथी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, आज हम सभी भाई लोग इस संघर्ष में जो शामिल हो रहे हैं, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, मोहन प्रकाश जी, भाई अशोक चांद्रा जी ने ठीक ही कहा कि लड़ाई बहुत लंबी है। इस लंबी लड़ाई में घर परिवार सबको भूलकर कांग्रेस के साथ लगना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने भीलवाड़ा में 46 दिन धरना दिया रात और दिन, तो ऐसे ऐसे कांग्रेस जन निकल कर आए, जो अभी नवरक सिंह जी बैठे, जो ऐसे पुराने लोग जो उन्होंने ये कहते थे फोन करके कि कांग्रेस का असली काम संघर्ष करना, संघर्ष ही देश को आजादी दिलाई। मैं याद दिलाऊं भाइयों, 32 साल तक कांग्रेस का जब संगठन नहीं था, 57 से लेकर 85 तक जो हमारे तात्या टोपे हो, झांसी की रानी हो, तमाम स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग इन मुगल और अंग्रेजों के हाथों मारे गए, लेकिन देश आजाद नहीं हो सका। लेकिन हमारे मोतीलाल जी नेहरू, हमारे कांग्रेस के अग्रिम उस समय के नेता, एक कांग्रेस का प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर जब तमाम लोग आए तभी ऐसी लड़ाई शुरू हुई। और 1947 तक कांग्रेस को कोई पद नहीं था, कोई लालसा नहीं थी, लेकिन कई पीढ़ियां कांग्रेस के नेताओं ने खो दी, तब जाकर ये आजादी हमें मिली। ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, हमारे पूर्वजों का खून, हमारे पूर्वजों की शहादत, हमारे पूर्वजों का जज्बा, हमारे पूर्वजों का संघर्ष, तब जाकर आज ये संविधान के दायरे में पूरा हिंदुस्तान एक होकर काम कर रहे हैं। आज इसके नेता पर, उस कांग्रेस पार्टी के निर्माण करने वाले नेताओं, इस देश को आजाद करने वाले नेता, उनका वंशज ही नहीं, हम सबको आजादी दिलाने वाला राहुल गांधी जी, जो आज वो कोई पद पे नहीं थे, आप खुद इस चीज का विचार कर सकते हो कि जिस आदमी की 2.5 साल की एज में दादी माँ शांत हो जाए, 8 साल में परिवार में अलग अलग हो गए सब लोग, 12 साल की उम्र में उसके सर पे पिता का साया उठ गया, उस आदमी ने कोई पद नहीं देखा। जो सोनिया गांधी जी, मुझे याद है मेरे साथ, मैं इनके साथ था, कल्ला जी और प्रसादी लाल जी, कई ऐसे विधायक जी पुराने, हमारे कई सांसद, जब सोनिया गांधी राजनीति से दूर रहना चाहती तब तमाम लोग, यही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, और तमाम लोग जब आदरणीय सोनिया गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी ये निवेदन करने गए कि ये देश को आजाद कराने वाली पार्टी अगर बिखर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, इस देश का कतरा कतरा इस कांग्रेस गांधी परिवार के साथ है, तो बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी जी ने वो कांग्रेस का पद संभाला और पूरी कांग्रेस को जो बिखर रही थी, देश बिखर रहा था, उसको एक जाजम पर एक एकजुटता से
जब सत्ता में सरकार में कांग्रेस आई, यूपीए सरकार के पद को, प्रधानमंत्री के पद को नौछावर करते हुए एकता का संदेश दिया। आज वो आदमी, उसका बेटा जो कांग्रेस पार्टी को केवल वो चीजें उजागर कर रहा, उदयपुर संकल्प में एक ही बात कही कि मैंने कि एक पैसे का कोई आरोप नहीं, गांव गांव तक, खेड़े ढाणी तक कांग्रेस की विचारधारा को ले जाना। केवल उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, केवल उसी चीज को लेकर राहुल गांधी जी को आज इस तरह परेशान कर रहे हैं। अगर वो कोई पद पे होते तो कोई आरोप भी लगाने की हिम्मत होती। आप एक तरफ देखो 90 करोड़ रुपए जय हेराल्ड के नाम पर जो उस समय के अखबार बना, जिसमें 67 करोड़ तो केवल तनख्वाह पे चुकाया गया, बाकी पैसा हाउस टैक्स, बिजली के बिल भरे, और एक तरफ, दूसरी तरफ जो अभी बता रहे थे मालिया जी, राहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे 68,000 करोड़ रुपए जिन्होंने गाड़ी कमाई, किसानों के पैसे को माफ किया, दूसरी तरफ 90 करोड़ रुपए केवल कांग्रेस के मेंबर्स के पैसे थे और उन्हीं देश की आजादी करने वाले लोगों के, उस अखबार के काम करने वाले लोगों को चुकाया, और इसी का आरोप लगा रहे। आज राहुल गांधी जी बार बार कह रहे, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी विदेश में संपत्ति कहाँ है, वो कह रहा आप ढूंढ के लाए तो आप बताओ, लेकिन तरह तरह के ऐसे सवाल कर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर। मेरा भाइयों, आप सबसे निवेदन है, हम एकजुट होकर जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज दिल्ली के अंदर बैठकर पूरी कमान संभाल कर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने जिस तरह आह्वान किया, हम सब एकजुट होकर ईंट से ईंट बजा दे, गांव गली खेड़े ढाणी तक इस विचार को ले जाए कि एक राहुल गांधी जो कांग्रेस की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम कर रहा, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा, महंगाई को उजागर कर रहा, जो सब डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष होता, विपक्ष की भूमिका निभा रहा, उस चीज को गांव खेड़े तक ले जाने का काम हम सब लोग एक संकल्प लेकर करें, तो जाके हम इस मुहिम, इस लड़ाई में जीत पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप भाई सभी लोग ये पधारे उनको तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक बार अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव मोहल्ले में, जहां भी आपका वर्चस्व है, वहां इन चीजों को ले जाएंगे, तब जाके ये लड़ाई हम लड़ पाएंगे। ये मोहन प्रकाश जी ने ठीक कहा, ये कमजोर लोग हैं, भगोड़े हैं, ये धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये अखबार टीवी में अखबार मालिकों को पकड़कर कुछ चीजें ऐसी गुमराह करने की सोशल मीडिया पर चला सकते हैं ताकि लोगों में भ्रमित हो, लोगों में आकांक्षा पैदा, ऐसी चीजें पैदा हो, भटकाव पैदा हो। इसलिए हम सबको एक होकर इस लड़ाई में जीतना है। तो तमाम भाई आज प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने दोनों हाथ ऊंचे करके बताएं, भाई सीताराम जी दोनों हाथ ऊंचे कर, आपका जो गांधी जी का जो पुराना वो ठीक लगा, लेकिन ये कल्चर गांव गांव तक जाए, पीछे से दोनों हाथ ऊंचे हो, और मंच में बैठे जो नेता हैं, अगर सब हमें एकजुटता कर ली तो कोई माइका लाल राहुल गांधी का बाल बांका नहीं कर सकता। जो आदमी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, आज 100 से अधिक जज वकील लिख लिख के दे रहे, मुख्यमंत्री जी कह रहे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ तो बोलिए। भाइयों, जिस घर में लड़का बच्चा अगर गलत काम करके आता या अच्छा काम करके आता, उसके घर वाले उसको प्रशंसा करते हैं अच्छे काम की, गलत काम करके आता उसको डांटते हैं, और जिसका घर वाला ने उस बच्चे को नहीं डांटा उसका घर बिगड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे घर के मालिक है, हिंदुस्तान के, जिस तरह के हालात हो रहे, अगर किसी को डांट नहीं गए, बोल नहीं गए, तो घर टूटेगा, ये देश के टुकड़े हो जाएंगे इन्हीं नीतियों में। इसलिए सभी भाई एकजुट होकर इस लड़ाई में लड़ने का आह्वान करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी निकलेगा, राहुल गांधी देश की जनता की आवाज है। कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को डराना चाहते हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ चुका है, इसलिए चाहे ये कुछ भी कर ले, ये जंग बड़ी है, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए, और आप अग्निवीर योजना लेकर आए, उसमें अग्निपथ पे जवान को जलाना चाहते हैं, उसके हकों को जलाना चाहते हैं, सेना को कमजोर करना चाहते हैं। हमारी सेना में 4 साल के लिए भर्ती, हमारा डेडिकेशन है सेना के प्रति, हमारी सेना हमारा गौरव है, पूरी दुनिया में भारतीय सेना का स्वाभिमान,
शौर्य और बलिदान दुनिया देखती है, सबसे मजबूत सेना हमारी है। आप उस सेना को कमजोर करना चाहते हैं। ये पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा मरेगा लेकिन झुकेगा नहीं। दिल्ली में आपने हमारे कार्यालय को घेर लिया, हमारे कार्यालय में कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर आप हमले कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कौन मरेगा? ना तो लाठी खाएंगे ना गोली खाएंगे। बीजेपी की लाठी का जवाब भी देंगे, बीजेपी की गोली का भी जवाब देंगे। बीजेपी वाले सावधान हो जाएं, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में जवाब मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोगों, रोटी दो, रोजगार दो, खून के आंसू रो रही है माँ बहन बेटी, तड़फ रहा है देश, रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, कहाँ गए वादे बीजेपी के? फेल हो गई बीजेपी, इसलिए सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाप और जुल्म कर रही है। जुल्म का जवाब देंगे और जमकर लड़ेंगे देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। मोदी तरीका नशाई। Thank you.